तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल वेब टेक क्लासेस। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे लैपटॉप्स की जो कि 30 से 40,000 रुपए के बीच में होने वाले हैं। आप लोग में से काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि सर आप हमें एक लैपटॉप सजेस्ट कीजिए जो 30 से 40,000 रुपए के बीच में होने वाले हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे लैपटॉप्स, दमदार लैपटॉप्स के बारे में जानकारी दूंगा जो कि बहुत ही बढ़िया लैपटॉप है और पर्सनली बहुत लोग मेरे आसपास में जितने भी लोग हैं वो इस लैपटॉप्स को यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपको बता पाऊंगा कि ये लैपटॉप आपके लिए कितना बढ़िया रहेगा। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कंप्यूटर नॉलेज में एक्सपर्ट बनने के लिए आप हमारे चैनल वेब टेक क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लैपटॉप लेने से दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात जानना होगा कि आपको कम से कम बजट 35,000 से स्टार्टिंग करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों होता क्या है कि अगर आज के समय में आप लैपटॉप कम से कम 35,000 तक का नहीं लेंगे तो आज के समय में जो रिक्वायरमेंट है, जो सॉफ्टवेयर की डिमांड है, जो भी कोर्स अगर आप लैपटॉप पर कर रहे हैं या जो भी ऑफिस का काम कर रहे हैं वो आपका नहीं हो पाएगा दोस्तों, क्योंकि पहले के जो लैपटॉप्स आते थे वो अब 30,000 या 20,000 के अप्रोक्स में वो अब बहुत पुराने हो चुके हैं, आप उनको अपग्रेड कर पाना भी बहुत मुश्किल है। इसीलिए आप कोशिश करें दोस्तों कि कम से कम मिनिमम अगर आप लैपटॉप लेने की सोच रहे हैं तो कम से कम आप 35,000 तक खर्च करें ही करें, और अगर आप वहां तक खर्च नहीं कर पाते हैं तो आपको इससे बेटर ऑप्शन अगर आप कंप्यूटर ले लें तो वो काफ़ी बढ़िया रहेगा। आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं, तो कंप्यूटर भी आपको 20 से 25,000 में काफ़ी बढ़िया से बढ़िया आपको कंप्यूटर मार्केट में देखने को मिल जाएंगे या ऑनलाइन में भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और हमने दोस्तों आज की इस वीडियो में 5 लैपटॉप को सेलेक्ट किया है और ये ऑनलाइन मैं आपको दिखाऊंगा, और इस लैपटॉप का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, तो इस लैपटॉप को आप वहां से भी बाय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों जो हमारा पहला लैपटॉप है वो है आसूस के तरफ से i3 प्रोसेसर के साथ। ये i3 प्रोसेसर आपको 10th जनरेशन के साथ मिलता है और इसमें जो आपको रैम मिलने वाली है वो है 4GB की रैम रहेगी और 1TB दोस्तों इसमें हार्ड डिस्क मिलेगा जो कि बहुत ही ज़्यादा है, और विंडो 10 आपको प्री इंस्टॉल आपको इसमें दिया जाएगा। और साथ ही लैपटॉप दोस्तों यहाँ का जो हमारा लैपटॉप है ये बहुत थीन और लाइट हल्का भी होने वाला है और पतला भी रहेगा, और इसकी जो स्क्रीन की साइज आप देख सकते हैं 15.6 इंच, ये सबसे बिग स्क्रीन है लैपटॉप की, और इसका जो वजन यहाँ पर दिखा रहा है 1.80 kg और ये सिल्वर कलर में आपको आएगा। इसके बाद दोस्तों इसकी जो प्राइस है वो बहुत ही कम है, 33,990 मतलब 34,000 के अराउंड आपका यह प्राइस जो है वो ऊपर नीचे होते रहता है। तो इस लैपटॉप को आप बाय कर सकते हैं अगर आप एक स्टूडेंट हैं और नॉर्मल यूज़ के लिए कंप्यूटर या घर पर लैपटॉप रखना चाहते हैं, और थोड़ा मोड़ा आप इसमें कोडिंग अगर सीखना चाहें तो कोडिंग भी सीख सकते हैं, या जैसे MS Word, MS PowerPoint या ऑफिस के जितने भी यूजेबल सॉफ्टवेयर है, टैली, ये सब आप बहुत आराम से इसमें चला पाएंगे। तो इस लैपटॉप को एक स्टूडेंट के तौर पर आप खरीद सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। अब जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है ये भी है आसूस वीवो बुक कोर i3 10th जनरेशन के साथ। इसमें भी आपको 4GB रैम मिल जाती है और 1TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है, और ये भी विंडो 10 के साथ आता है, और इसकी जो स्क्रीन की साइज भी है वही है 15.6 इंच, ठीक है। तो ये भी बिग स्क्रीन साइज है तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं, लेकिन ये दोस्तों ये ग्रे कलर में आएगा। अगर आपको पहले वाला सिल्वर कलर पसंद नहीं है तो आप ग्रे कलर में भी ले सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा लुक देगा, और इसकी जो प्राइस है वो है 34,490। ये इसका भी प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो इस लैपटॉप को भी आप बाय कर सकते हैं और ये भी इसमें आप काफ़ी अच्छा से अच्छा काम कर पाएंगे, मतलब नॉर्मल यूज़ के लिए ये लैपटॉप काफ़ी बढ़िया रहेगा। चलिए अब दूसरे लैपटॉप की तरफ हम लोग देखते हैं। अब जो दोस्तों हमारा अब दूसरा लैपटॉप है वो है डेल की तरफ से, और डेल का जो ब्रांड है वो बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। डेल का लैपटॉप मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो डेल में आपको यहाँ पर मिलेगा कोर i3 की तरफ से 10th जनरेशन, और इसमें दोस्तों आपको 8GB की रैम मिलेगी। अगर आपका रिक्वायरमेंट 8GB रैम का है तो आप इसे बाय कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एडिटिंग का काम करते हैं या कोई हैवी सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं तो कम से कम आपको 8GB रैम की लैपटॉप लेनी ही चाहिए, और साथ ही इसमें 1TB की हार्ड डिस्क भी मिलेगी। और सबसे बड़ी बात दोस्तों इसमें आपको विंडो 11 मिल रहा है जो कि आज का लेटेस्ट सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसको आप ले सकते हैं। और इसके बाद दोस्तों ये भी थीन और लाइट बहुत हल्का भी होगा, ज़्यादा वजन भी नहीं होगा, और स्क्रीन की जो साइज है वो है 15.6 इंच, और ये कार्बन ब्लैक कलर के साथ आता है, और इसमें दोस्तों प्री इंस्टॉल आपको MS Office भी पहले से मिलेगा।
और इसकी दोस्तों जो प्राइस है वो है 39,590। तो आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हैं अगर थोड़ा आप प्रोफेशनल वे में अगर जाएं, अगर ऑफिशियल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं तो आप इस लैपटॉप को ही बाय करें। अब चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। अब दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट लैपटॉप है वो है आसूस के वीवो बुक 15 2021। ये भी कोर i3 10th जनरेशन के साथ आता है और ये लगभग दोस्तों 4 GB रैम आपको इसमें मिल जाएगी। और सबसे इसमें खास बात ये है कि इसमें 512 GB की SSD लगी हुई है जो कि आपका लैपटॉप को बहुत ही फास्ट बनाएगा और बहुत ही फास्ट काम करेगा। तो अगर इस टाइप के आप काम करते हैं वीडियो एडिटिंग की, तो उस समय जब वीडियो को हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं तो ये आप जो वीडियो जो भी होगी वो काम एक्सपोर्ट या डाउनलोडिंग ये सब काम जो भी होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। ये डाटा को जो ट्रांसफ़र करने का जो सिस्टम होता है वो भी बहुत ही फास्ट होगा। तो इसलिए आप कोशिश करें कि अगर लैपटॉप में आप SSD वाली लेते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहेगी। और इसमें भी आपको विंडो 11 के साथ आपको मिलेगा, विंडो 11 प्री इंस्टॉल मिलेगा। और लैपटॉप बहुत ही हल्का भी है और लाइट मतलब हल्का भी रहेगा, पतला भी देखने मिलेगा, प्रोफेशनल लुक देगा। इसके बाद आप देख सकते हैं इसकी स्क्रीन की साइज 15.6 इंच है और ये सिल्वर कलर के साथ आता है। और दोस्तों इसकी जो प्राइस होने वाली है वो है 39,990। तो आप इस लैपटॉप को भी बाई कर सकते हैं, ये भी लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है, इसकी प्राइस भी काफ़ी ऊपर नीचे होते रहती है। तो आप हमेशा देखते रहें ऑनलाइन ऑफलाइन दोस्तों दोनों में पता करते रहें। हो सकता है कि ऑफलाइन में आपको इससे 1,000 रुपया और सस्ता में मिल जाए। अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको ऑफर में यहाँ भी कई मिल जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर बैंक ऑफर 5% इस तरह करके आपको यहाँ बहुत सारा है। अगर आप क्रेडिट कार्ड से पहले पेमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर लैपटॉप बहुत ही सस्ता में मिल जाएगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट लैपटॉप की तरफ। नेक्स्ट लैपटॉप जो हमारा है वो है आसूस की तरफ से वीवो कोर i3, ये 11th जनरेशन के साथ आता है। ये प्रोसेसर थोड़ा उससे फास्ट है और इसमें आपको 8 GB रैम है और 256 GB की SSD लगी हुई है और विंडो 10 के साथ आपको ये आता है। और इसमें भी दोस्तों आपका जो स्क्रीन का साइज है वो है 15.6 इंच के साथ और इसका जो कलर है वो सिल्वर कलर में है। और इसकी जो प्राइस होने वाली है वो है 39,840। पहले वाले लैपटॉप से 100-200 रुपया कम है लेकिन प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है, तो हो सकता है कभी प्राइस बढ़ जाए या घट जाए, ठीक है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको खास बात यह है कि आप इसमें आपको i3 का 11th जनरेशन जो प्रोसेसर मिल रहा है वो बहुत ही अच्छा है। तो अगर आपका बजट 40,000 के अराउंड में है तो आप इस लैपटॉप को ही बाय करें, क्योंकि आपका यहाँ पर 11th जनरेशन का i3 मिल रहा है। पिछले वाले में i3 जो मिल रहा है वो 10th जनरेशन का था, इसमें 11th जनरेशन का है, तो आप इसे भी बाय कर सकते हैं। बाकी जो विंडो इसमें 10 डाला हुआ है तो आप चाहें तो इसे आगे जाके से अपग्रेड भी कर पाएंगे। अगर आप विंडो 10 से विंडो 11 में अपग्रेड करना चाहें तो आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर पर भी आप अपग्रेड कर सकते हैं। या अगर ऑफलाइन मार्केट में आप खरीदते हैं तो आप वहाँ से भी अपग्रेड करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 लैपटॉप। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।